नमस्कार, आज मैं आई हूँ नजफ गढ़ के पास साईं बाबा मंदिर में। यहाँ पर दूर दूर से डिवोटीज आते हैं साईं बाबा की ब्लेसिंग्स लेने के लिए। यहाँ पर आकर जो इनर पीस की फीलिंग हुई है उसको मैं वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकती हूँ। मंदिर में हमारे और भी देवी देवताओं की प्रतिमाएं हैं। थर्सडे को मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है तो मुझे थोड़ा भीड़ में दिक्कत होती है, तो मैं आज ही दर्शन करने के लिए आ गई हूँ। मुझे यहाँ पे बाबा खाटू श्याम को देख के तो बहुत ही अच्छा लगा। मंदिर में दुर्गा माँ काली माँ के दर्शन करने के बाद अब मैं आई हूँ ऐसी जगह जहाँ के लोग ऊपर से कड़क और अंदर से नरम होते हैं। ये जगह है नजफगढ़। एंटर करते ही हनुमान जी के दर्शन करने के बाद ज्योति मेमोरियल हॉस्पिटल के बिल्कुल साइड में ही है गुरु भगवत स्वरूप जी का अखाड़ा। इस अखाड़े के पहलवान करते हैं नजफगढ़ का नाम रोशन। नजफगढ़ दिल्ली के साउथ वेस्ट के बहुत से गांवों के लिए एक बड़ा मार्केट है। आज हम खाने और शॉपिंग दोनों की जगह यहां पे एक्सप्लोर करेंगे। गेट नंबर 2 मेट्रो स्टेशन से निकलते ही सबसे पहले मैं जा रही हूं यहां के फेमस पकौड़े खाने, जो कि है चाचा पकौड़े वाले। ये फेमस है अपने वेराइटी ऑफ पकौड़ों के लिए। इनके यहाँ पकौड़े बनाए जाते हैं शुद्ध सरसों के तेल में। मेरा फेवरेट है पनीर पकौड़ा, तो मैंने पनीर पकौड़ा ऑर्डर कर दिया है जो कि मेरे को मिल रहा है 40 रुपीज का 100 ग्राम। ये पकौड़े सरसों के तेल में डांस करके अब मेरे पास आ चुके हैं। टेस्ट करके बताती हूँ कैसे हैं ये। चटनी के साथ इन करारे पकौड़ों का टेस्ट हो गया बहुत टेस्टी। कभी आओ तो जरूर खाना। ये है शिवाजी मार्ग जो यहाँ से शुरू होकर नजफगढ़ से जखीरा तक जाता है स्ट्रेट। थोड़ा आगे चलते हैं, मुझे आया दिल्ली गेट नजर। अंदर है यहाँ पे मार्केट और साइड में बनी हुई है पार्किंग। प्रेजेंट में इसे वेद किशोरी लाल द्वार के नाम से जाना जाता है। पहले मैं आगे जा रही हूँ, वापसी में आएंगे इस मार्केट में। ये यहाँ की बहुत ही पुरानी गौशाला। गौशाला तो मैं इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि नजफगढ़ की मार्केट अपने प्योर दूध से बनी हुई चीजों के लिए फेमस है। इससे थोड़ा आगे चलते ही यहाँ पे मित्तल स्वीट्स, ये फेमस है अपने छोले भटूरों के लिए। पर अभी हम एक्सप्लोर कर रहे हैं स्ट्रीट फूड, तो पहले हम कुछ और खाने चल रहे हैं। मदर डेरी बूथ के पास यहाँ पे मिलती है नजफगढ़ की फेमस कचौड़ी। आलू की सब्जी में डालते हैं ये थोड़ी सी दही। ये है 15 रुपीज पर पीस और वाकई में टेस्ट में ये बहुत ही लाजवाब। हमने ली यहाँ पे प्रेम कचौड़ी वाले से कचौड़ी। अर्ली मॉर्निंग 4 बजे से यहाँ पे कचौड़ी वाले खड़े हो जाते हैं, तो बस जब मन करे चटपटा खाने का तो यहाँ आ जाओ। है तो यहाँ पे डोमिनोज भी, पर जो लोकल फूड खाने का मजा है ना वो अलग ही है। ये हम आ गए कुम्हारो वाली गली में। यहाँ पे मिलते हैं बहुत सारे मटके। वैसे मार्केट बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड है, जैसे कि इस कुम्हारो वाली गली में मिलते हैं मटके। मेरे जैसे बंदे के लिए तो यहाँ पे हैंड फैन भी है घर में से जाने के लिए, जिसे बीजना भी बोलते हैं। अब मैं घूम फिर के वापस पहुंच गई हूँ दिल्ली गेट पर। इस मार्केट को ना साउथ वेस्ट का मिनी सरोजनी नगर भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे 50 रुपीज से 100 रुपीज के बीच में बहुत कुछ मिल जाता है और ये मार्केट मंडे को लगती है। अब मैं जा रही हूँ यहाँ की फेमस समोसों की शॉप, जो कि है बंसी स्वीट्स। यहाँ का घेवर भी फेमस है, पर मुझे थोड़ा कम मीठा लगा घेवर में। पर इनके क्रिस्पी समोसे और जो कि चटनी है उसके साथ बहुत ही टेस्टी है। इस मार्केट में 100 रुपीज में काफी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। अब मैं आ गई मार्केट के जवाहर चौक पे, क्योंकि यहाँ पर है नजफगढ़ का हिडन जेम देसी बूरा वाले। ये शॉप 1880 से है। यहाँ पर देसी बूरा और शुद्ध दूध से बनाई जाती है बर्फी भी। ये बर्फियाँ तो मुँह में जाते ही घुल जाती है। अब ये है यहाँ पे कपड़ों के लिए मार्केट। आसपास के गांव से लोग यहाँ पर शॉपिंग करने आते हैं। और यहाँ की एक चटपटी बात बताती हूँ मैं आपको। मेरी ससुराल भी यहाँ पे पास पे ही है। गोलगप्पे वाले की कहानी बताती हूँ मैं आपको। यहाँ पे गांव से बहू है डॉक्टर का बहाना लेके गोलगप्पे खाने आती हैं। नहीं नहीं, शादी के आज मैंने भी ऐसा 2 बार करा था। ये बात मेरी जैसे बहू ही समझ सकती है। खैर, मार्केट बहुत ही रीजनेबल है। यहाँ पे मैं आगे जाके वो भी स्टोर दिखाऊंगी जिनकी मेन ब्रांच चांदनी चौक में है। पर अब मैं पहले जा रही हूँ यहाँ की फेमस टिक्की खाने। ये है पंडित जी टिक्की वाले। यहाँ की थोड़ी गड़बड़ हो गई, ये शाम को 4 बजे से मिलती है, तो मैंने खाई नहीं तो टेस्ट तो कैसे बताऊँ। जो मैं कह रही थी ना, वेल ऑर्गेनाइज्ड है, क्योंकि ये स्पोर्ट्स की मार्केट यहाँ पे अलग से है। अब नजफगढ़ से इतने खिलाड़ी निकलते हैं तो स्पोर्ट्स मार्केट तो यहाँ बनती ही है। यहाँ के लोगों में ना स्पोर्ट्स को लेकर अलग ही जज्बा है। ये वो BL स्टोर जिनकी ब्रांच चांदनी चौक में भी है। यहाँ पे लोग वेडिंग शॉपिंग के लिए आते हैं। अब ये है सुनारो वाली गली। नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पे बहुत सारी ज्वेलरी शॉप्स हैं। यहाँ से बाहर निकलते ही विजय सेल्स के साथ में एक शॉप है, छोटी सी शॉप है पर बहुत ही फेमस है मूंगफलियों के लिए और भूबड़ों के लिए, जिन्हें आप भुने हुए चनों के नाम से भी जानते हो। ये बहुत पुराने दुकान है और सर्दियों में यहाँ की मूंगफलियाँ बहुत ही फेमस हैं। है तो यहाँ पे बर्गर, सिंह, किंग दोनों ही, पर कभी प्योर और क्वालिटी वाइज अच्छी चीज खाने का मन करे तो यहाँ जरूर आना। और अगर आपको यहाँ की फेमस जगहों का पता हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।